वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक्सरसाइज 6.5 अप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव के हम क्वेश्चंस 16 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में आप सीख रहे थे कि किस तरीके से मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड किया जाता है। आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, दोनों टेस्ट से आपको बताया गया है कि कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं आगे की क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया हुआ है, ए स्क्वेयर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। देखिए, स्क्वायर पीस ऑफ टिन आपको दिया गया है जिसकी साइड आपको बोली गई है 18 सेंटीमीटर। तो देखिए, आपको स्क्वायर दिया है, आप जानते हैं चारों साइड्स आपकी इक्वल होंगी, तो आपने 18-18 ले लिया ये साइड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर को, क्लियर। इसके बाद हमें बताया गया कि मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप, इसका टॉप नहीं है, तो बॉक्स कुछ इस तरीके से मिलने वाला है और हर एक कॉर्नर को हमने काट दिया है। तो देखिए, जब हम कॉर्नर को काट रहे हैं तो यहाँ पर जो ये लेंथ कवर करता है हमें नहीं पता कितनी है, तो हम इसको कितना मान लेते हैं, एक्स, क्लियर। तो हमने चारों कॉर्नर यहाँ से काट लिए हैं जो कि एक्स सेंटीमीटर लेंथ के हैं आपके। तो जो अब आपके पास बची हुई साइड है तो वो कितनी होगी, देखिए एक्स, एक कॉर्नर से एक्स और दूसरे कॉर्नर से एक्स अगर आप हटाते हैं तो ये बनेगा 18-2x, क्लियर है। इसी तरह से आपकी साइड में भी यही बनने वाली है 18-2x, क्लियर। तो यहाँ हम बता देते हैं, सबसे पहले जो हम काम करें, लेट ईच साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, कितना सेंटीमीटर हमने कट किया है यहाँ पे हर एक कॉर्नर से, बी एक्स सेंटीमीटर, क्लियर। सो लेंथ इज 18-2x, ब्रेथ इज 18-2x एंड हाइट इज एक्स सेंटीमीटर। देखिए, अभी हमें वॉल्यूम चाहिए इसकी, तो वॉल्यूम क्या होगी आपके पास, वॉल्यूम को हम वी से डिनोट कर रहे हैं, तो आपके पास ये होगी लेंथ इनटू में ब्रेथ इनटू में हाइट, क्लियर। तो आपके पास ये बनने वाला है एक्स इनटू में 18-2x स्क्वायर, ओके। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, आपको यहाँ पे क्या बताना था, स्क्वेयर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। तो मैक्सिमम के लिए सबसे पहले, जैसे हम देखते आए हैं कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, तो यहाँ से देखिए बाय प्रोडक्ट रूल हम कर सकते हैं, एक्स का डेरिवेटिव किया 1, 18-2x इट्स स्क्वेयर प्लस एक्स एज इट इज, 2 पावर आप आगे लेके आएंगे, 18-2x पावर 1, और -2x का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा -2। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 18-2x, तो ये आपके पास आता है 18-2x -4x, लिख सकते हैं इसको हम। तो देखिए, यहाँ से आपके पास आ जाता है ये 18-2x 18-6x। इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को हम इक्वल टू रखते हैं 0 के। तो यहाँ से आपको मिलेगा 18-2x इंटू 18-6x इक्वल टू
जीरो। आपको यहाँ से दो वैल्यूज़ मिल जाती है। देखिए, जब आप 18 माइनस 2x को 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके पास x मिलने वाला है 9। जब 18 माइनस 6x आप इक्वल टू 0 रखते हैं तो x मिलेगा आपको 3। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि x इक्वल टू 9, आपके पास x इक्वल टू 9 पॉसिबल नहीं, आप x को 9 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने x को 9 रखा तो ये जो वैल्यू है आपकी, जो लेंथ है यहाँ पर 18 माइनस 2x, ये क्या बना देगा आपका? 0। तो इसलिए 9 सेंटीमीटर इज़ नॉट पॉसिबल, ये आपका पॉसिबल नहीं है। तो हम किस पर चेक करेंगे? 3 पर आप चेक करेंगे। अब इसको मैक्सिमम की बात की गई है तो सबसे पहले हम डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। देखते हैं कि डबल डेरिवेटिव क्या आता है हमारा। देखिए, फिर से प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो 18 माइनस 6x का जब हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो आएगा माइनस 6, प्लस 18 माइनस 2x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा माइनस का 2। क्लियर है? इसके बाद है आपके पास, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये जो वैल्यू आती है आपके पास वो बनने वाली है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको, ये आपकी बनेगी माइनस 72। मीन्स जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो नेगेटिव आती है डबल डेरिवेटिव। मीन्स जो आपके पास वॉल्यूम है यहाँ क्या बनेगी? वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इक्वल टू 3। तो आप लिख सकते हैं दैट इज स्क्वायर ऑफ साइड ये है आपके पास साइड आई है 3 सेंटीमीटर इज कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर। हमने हर एक कॉर्नर से कितना काटा है इसको? 3 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास, देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पीछे किया है। 18 क्वेश्चन, लेट ईच साइड इज टू बी ईच साइड ऑफ द स्क्वायर कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर। देखिए, जब हमें नहीं पता कि आपको कितना सेंटीमीटर वहाँ से कट करना है तो आप उसको x मानेंगे और लास्ट में x की जो वैल्यू आएगी आप वहाँ बता देंगे कि आपने कितना यहाँ से कट किया है कॉर्नर पर से। हमने x सेंटीमीटर माना इसको। जो रेक्टेंगुलर आपको साइड्स दी हुई हैं, देखिए ये है 45 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, तो हमने 45 और 24 ली थी। जब कॉर्नर से आपने x काटा तो देखिए आपके पास साइड में ये 2x बन जाता है, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है हमारे पास ये कितना बनता है? 45 माइनस 2x माइनस 2x। इसी तरह बेथ अगर हम देखें तो ये बन जाएगा आपका 24 माइनस 2x। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सो साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स ये आपके पास कितनी है आती हैं जब हमने x सेंटीमीटर कट किया है हर एक कॉर्नर से, तो ये बनती है हमारे पास 45 माइनस 2x और 24 माइनस 2x। और जो हाइट है, देखिए आपने जो हाइट आपने कट करी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये आ रही है आपके पास x। तो यहाँ से अब आप फॉर्मूला लगा लेंगे। आपको वॉल्यूम पूछा गया है तो वॉल्यूम के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, वी से डिनोट कर देते हैं इसको हम, जो कि बनने वाला आपके पास लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। डेरिवेटिव कीजिए इसका, dv बाय dx
तो आपके पास ये बनने वाला है। देखिए x का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो 1 आएगा, बाकी वैल्यूज आप एज इट इज रखेंगे। फिर हमने 24 माइनस 2x का किया तो माइनस 2 बनने वाला है, बाकी एज इट इज रह जाएंगे आपके पास। फिर आपने 45 माइनस 2x का किया तो इसका डेरिवेटिव माइनस 2 लिख सकते हैं हम ये। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बनता है, 45 माइनस 2x अगर हम कॉमन लें स्टार्टिंग की टू टर्म्स से तो ये बनता है 24 माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2x 24 माइनस 2x। इसको सॉल्व करते हैं कितना आता है, 45 माइनस 2x इंटू में 24 माइनस 4x माइनस 48x माइनस 4x स्क्वेयर। इसको आप ओपन करके जब स्क्वेयर करेंगे तो ये आपके पास बनने वाला है 12 इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस 23x प्लस 90। आप सभी को करना आता है ये, आप ओपन कर लेंगे इसको और सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलने वाला है dv बाई dx। इसके बाद हमें पता है मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपको डेरिवेटिव जीरो के इक्वल रखना पड़ता है, तो आप जीरो के इक्वल रखिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 12 इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस 23x प्लस 90 इक्वल टू जीरो। फैक्टर बनाइए, देखिए फैक्टर बनने वाले हैं आपके यहाँ पर 18 एंड 5, 18x माइनस 5x प्लस 90 इक्वल टू जीरो। आप जानते हैं 12 जीरो के इक्वल नहीं होता, तो आपको क्या जीरो के इक्वल मिलने वाला है, एक्स स्क्वेयर माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90 इक्वल टू जीरो। फैक्टर कर लीजिए इसके, x आपने कॉमन लिया तो x माइनस 18 और सेकंड में से आप माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ मिल जाती हैं 18 और 5। क्लियर है? अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारे पास ब्रेथ थी वो थी 24 माइनस 2x। देखिए x की वैल्यू जो है अगर आपकी 12 होती है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 होती है तो ये जीरो बन जाएगी लेंथ, और 12 से ग्रेटर अगर होती है तो जो ब्रेथ है आपकी वो किस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाती है। तो इस वजह से 12 या 12 से बड़ी वैल्यू अगर x की आती है तो वो हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसलिए जो 18 है वो हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, बट x कैन नॉट बी ग्रेटर देन 18, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 12। सो x आप कितना लेंगे, 5। क्लियर है इतना? x आपको अब इस टाइम कितना लेना होगा, 5। तो करते हैं आगे इसका क्वेश्चन। अब आपको मैक्सिमम फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा। अगेन मींस डबल डेरिवेटिव आप करेंगे तो आपके पास जो भी इक्वेशन थी उसमें आप लिखेंगे यहाँ पर 12 इंटू 2x माइनस 23। क्लियर? x आप लेके चल रहे हैं 5, तो देखिए कितना आता है, 12 इंटू 10 माइनस 23। तो आप देख सकते हैं 12 इंटू आपके पास आता है माइनस में 13। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो वैल्यू आती है वो कैसी है, लेस देन जीरो। क्लियर? नेगेटिव वैल्यू है, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो हमारे पास जो भी हमारा फंक्शन है, वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम जो होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी आपकी। किस पॉइंट पे आपको नेगेटिव मिला है, एट एक्स इक्वल टू 5 पर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो स्क्वेयर ऑफ साइड है आपकी, जो आपने x मानी थी कटिंग के टाइम पे, तो वो आपके पास कितनी आती है, 5 सेंटीमीटर इज कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर। क्लियर है? बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है।
और आप सभी जानते हैं स्क्वायर, कॉन, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये इन सब का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है ये आप पढ़ते हुए आ रहे हैं पीछे से, तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या अप्लाई होने वाला है। और आगे की मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि हमें डेरिवेटिव निकालना है, वहाँ से आपको टर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट्स पर आपको डबल डेरिवेटिव चेक करना है, माइनस या आपके पास माइनस आता है या प्लस आता है, उसके अकॉर्डिंग आप बोल देते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। देखिए नेक्स्ट है, सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको हम। हम यहाँ पर मान लेते हैं, कंसीडर यहाँ पर जैसे कि आपको फिगर भी दिखाया गया है, जो आपको बताया गया है यहाँ पे कि आपके पास कंसीडर ए बी सी डी बी द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। जो भी सर्कल है आपके पास, आपने उसमें क्या किया है, एक रेक्टेंगल फॉर्म किया है जिसका सेंटर क्या है, हम मान लेते हैं ये सेंटर है आपका ओ, विद सेंटर ओ एंड रेडियस, रेडियस को हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट रेडियस इज ए, ये जो रेडियस है इसको हम मान रहे हैं ए। देखिए सेंटर से बाउंड्री पॉइंट पे टच कर रही है आपकी, इट मींस ये जो लेंथ होने वाली है वो है ए, और यहाँ भी सेंटर से बाउंड्री पे टच कर रही है तो ये भी है ए। आप जानते हैं कि रेडियस जो है वो इक्वल होती है पूरे सर्कल में, आप किसी भी पॉइंट पे जाएं। कंसीडर, अब देखिए जो रेक्टेंगल आपने फॉर्म किया है यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ आपको माननी होगी, तो ये हमने हम मान लेते हैं, कंसीडर एक्स एंड वाई बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। आप जानते हैं कि आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किस किस की नीड होती है, इसलिए हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेंथ और ब्रेथ आप जानते हैं कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये अंडरस्टूड है कि ये एक्स और वाई जो आपने लिए वो हमेशा क्या होंगे, जीरो से बड़े होंगे आपके, ठीक है। अब अगर हम बात करें ए बी सी, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो एंगल बन रहा है बी के ऊपर ये है 90 डिग्री, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसको इन राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस हम लगा सकते हैं यहाँ पे थ्योरम, जो कि क्या होती है हमारे पास, आपके पास होती है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर जो कि है ए सी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होती है आपके पास। अब देखिए ए सी जो है, ए सी आप क्या लिख सकते हैं, ए सी जो है वो मिलके बनी है ओ ए प्लस में ओ सी से, और ये है आपके पास ए, तो ये आपके पास ए सी आ जाता है 2a, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2a स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास वाई स्क्वायर कितना आ गया है 4a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और y जब आप कंसिडर करेंगे तो ये बन जाता है आपके पास 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। देखिए प्लस माइनस आता है, लेकिन आपको बताया गया कि x और y दोनों जीरो से बड़े रहने वाले हैं, तो आप पॉजिटिव साइन यहाँ पे लेंगे, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद आपके पास देखिए जो एरिया होता है रेक्टेंगल का, क्योंकि मैक्सिमम एरिया आपसे पूछा गया है, तो एरिया आपके पास होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ, तो हम एरिया यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर ए बी द एरिया
ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये कितना आता है, ए इक्वल टू लेंथ इंटू में ब्रेथ, और वाई आपने कितना निकाला है यहाँ से, रूट फोर ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, फर्स्ट से निकाल के हमने यहाँ पुट कर दिया है। अब आपको ये जो एरिया है ये मैक्सिमम बताना है कि मैक्सिमम किस पॉइंट पे आता है। तो क्या करना होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव से पॉइंट निकालेंगे और उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे और वहाँ से हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए आपके पास आप निकालेंगे डी ए अपॉन डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव किया तो वन, तो साथ में था रूट फोर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, प्लस में रूट का डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा वन अपॉन टू रूट फोर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और अंदर वाली वैल्यू का करेंगे तो ये आएगा माइनस का टू एक्स। देखिए टू से टू कैंसिल आपका, तो ये बनता आपके पास जब आप एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा फोर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर अपॉन रूट फोर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये बनने वाला है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं फोर ए स्क्वेयर माइनस टू एक्स स्क्वेयर अपॉन रूट फोर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब आप जानते हैं कि पॉइंट हमें फाइंड करना है तो डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखना होगा, तो यहाँ से आपको मिलता है फोर ए स्क्वेयर माइनस टू एक्स स्क्वेयर अपॉन रूट फोर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमें पॉइंट मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं एक्स स्क्वेयर इक्वल टू टू ए स्क्वेयर, और एक्स जो है आपके पास यहाँ एक्स का आ जाता है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू ए। आप जानते हैं कि एक्स जो था वो क्या था आपका, ग्रेटर देन जीरो, तो आपको कौन सी वैल्यू यहाँ कंसीडर करनी होगी, एक्स इक्वल टू रूट टू इंटू ए, पॉजिटिव वैल्यू हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। अब आपको पॉइंट तो मिल गया है लेकिन आपको ये चेक करना है कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम है या नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, डबल डेरिवेटिव निकालना होगा। तो निकाल लेते हैं डबल डेरिवेटिव। देखिए डबल डेरिवेटिव के लिए आप कर सकते हैं रूट फोर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, यू बाय वी फॉर्मूले से हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, ऊपर वाली टर्म का आप डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस फोर एक्स माइनस फोर ए स्क्वेयर माइनस टू एक्स स्क्वेयर इंटू में, अगर आप रूट का करते हैं डेरिवेटिव तो ये बनने वाला है वन बाय टू रूट फोर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और रूट के अंदर वाली वैल्यू का करेंगे तो माइनस का टू एक्स, टू से टू आपका कैंसिल। एलसीएम लेके जब आप सोल्व करेंगे तो ये बनेगा फोर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू में माइनस फोर एक्स प्लस में एक्स फोर ए स्क्वेयर माइनस टू एक्स स्क्वेयर अपॉन फोर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। देखिए हाफ पावर ऊपर से आई है और एक पावर नीचे ऑलरेडी थी आपके पास, तो ये बना है थ्री बाय टू। तो यहाँ से आपके पास ये बन जाता है माइनस ट्वेल्व ए स्क्वेयर एक्स प्लस में टू एक्स क्यूब। अपॉन फोर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर थ्री पावर थ्री बाय टू। अब आपके पास जो पॉइंट था एक्स, वो पॉइंट आया था आपका रूट टू ए। तो अब ये जो पॉइंट है ये आप यहाँ पे पुट कीजिए और देखिए कि आपके पास जो वैल्यू है वो क्या मिलती है। तो देख लेते हैं, यहाँ से आप चाहें तो माइनस टू एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, तो आपके पास ये बनेगा सिक्स ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय फोर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इट्स पावर थ्री बाय टू। अब आप x रखिए यहाँ पे, x जब आप पुट कर रहे हैं यहाँ पे तो आपके पास बनने वाला है ये माइनस टू रूट टू ए सिक्स ए स्क्वेयर माइनस टू ए स्क्वेयर
अपॉन टू रूट टू ए क्यूब। देखिए ए स्क्वेयर बनेगा, तो यहाँ से ए स्क्वेयर तो आपका कैंसिल हो गया टू से, तो पावर थ्री बचती है आपकी, तो ये बनेगा आपका जब आप क्यूब लेंगे तो टू रूट टू ए क्यूब। तो देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल होता है, टू रूट टू कैंसिल, ए से आपका यहाँ क्यूब से आप एक पावर कम कर देंगे, तो देखिए क्या बना है, फोर ए स्क्वेयर माइनस फोर ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। इसको लिख देते हैं सही से। देखिए आपने जब डबल डेरिवेटिव निकाला तो ये बना आपके पास आता है ये फोर ए स्क्वेयर अपॉन नेगेटिव में अपॉन ए स्क्वेयर, तो ये आता है माइनस फोर, यानी कि आपके पास आया नेगेटिव, और जब नेगेटिव होता है तो फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम। सो एट एक्स इक्वल टू रूट टू ए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। तो देखिए यहाँ से लेंथ और ब्रेथ आपके पास क्या आ गई है, x तो आता है रूट टू ए, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से देख लेते हैं, यहाँ पर आपने लिखा था y इक्वल टू रूट फोर ए स्क्वेयर माइनस में टू माइनस में एक्स स्क्वेयर, ये लिखा था आपने, तो x की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे क्या आती है, ये बनेगा टू ए स्क्वेयर, जो कि आता है टू ए स्क्वेयर, तो यहाँ से आपके पास आप लिखेंगे ये आएगा रूट टू इंटू ए, तो x और y आपके पास दोनों क्या आ जाते हैं, रूट टू इंटू ए। सो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर द एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल इज मैक्सिमम व्हेन इट इज स्क्वेयर। देखिए एक्स वाई इक्वल आए हैं आपके, मीन्स ये आपका स्क्वेयर बनेगा, तो जो मैक्सिमम एरिया है आपको यही शो करना था कि स्क्वेयर का जो है वो मैक्सिमम एरिया आता है जब आप एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं सर्कल के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। क्लियर है, सर्कुलर सिलेंडर हमने यहाँ पे बनाया, इसकी रेडियस देखिए, आप जानते हैं ऊपर और नीचे रेडियस, आपके पास सर्कल फॉर्म बनती है, तो यहाँ पर आपने रेडियस मान ली है आर, हाइट हम मान लेते हैं एच, तो देखते हैं आगे कैसे करना है आपको। आपको वॉल्यूम यहाँ पे बतानी है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। देखिए सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 20 का, लेट एस बी द सरफेस एरिया जो कि आपको गिवन है, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, ये गिवन है आपको, लेट बी द गिवन सरफेस एरिया, लिख लीजिए इसको यहाँ पे, गिवन सरफेस एरिया ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस इज, इसकी रेडियस कितनी है आपने मानी है आर, एंड हाइट इज एच, लेट वी बी द वॉल्यूम। तो देखिए सरफेस एरिया में आप जानते हैं सिलेंडर का जो हम सरफेस एरिया लिखते हैं एस, जो हम सरफेस एरिया से दिखा रहे हैं यहाँ पे, ऊपर लिखा भी है हमने, सरफेस एरिया में आप जानते हैं एक तो ये आपके पास कर्व्ड पार्ट होता है,
और दो आपके पास सर्कल होते हैं, तो सर्कल का एरिया आपके पास पाई आर स्क्वेयर, दो सर्कल है इसलिए 2 पाई आर स्क्वेयर, प्लस में जो ये कर्व्ड पार्ट है आपका ये वाला, ये है आपके पास 2 पाई आर एच। क्लियर? तो यहाँ से हम h निकाल लेते हैं, जो कि आएगा s माइनस 2 पाई आर स्क्वेयर अपॉन 2 पाई आर। फर्स्ट मान लेते हैं इसको, वॉल्यूम आप जानते हैं क्या होती है सिलेंडर की, वॉल्यूम जो है v से दिखा रहे हैं हम, और ये होती है पाई आर स्क्वेयर h। h आप निकाल चुके हैं तो आप फर्स्ट से यहाँ पुट कर दीजिए, जो कि आती है s माइनस 2 पाई आर स्क्वेयर अपॉन 2 पाई आर। देखिए पाई से पाई कैंसिल, आपका एक आर से हम आर कैंसिल कर देंगे, तो ये जो आता है आपके पास वो बनता है 1/2 r (s - 2π r²। अब मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव से हम पॉइंट निकाल के लाएंगे, तो देखिए r में गिवन है आपको, तो आप dv/dr करने वाले हैं, बाय पार्ट्स करेंगे इसको, तो ये आपके पास आ जाता है जब आपने r का किया यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं या फिर आप इसको ये भी लिख लीजिए, और इजी रहेगा, बाय पार्ट्स के प्लेस पे sr माइनस में 2π r³, आप ऐसे लिख लीजिए। अब डेरिवेटिव करेंगे तो ये बना s माइनस 6π r². क्लियर? इसको हम सेकंड नाम दे देते हैं। आप जानते हैं कि इस डेरिवेटिव को आपको किसके इक्वल रखना होता है, जीरो के, तो रखिए आपके पास क्या मिलता है, 1/2 s - 6π r² इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपके पास जो s है वो कितना आ जाएगा, 6π r². क्लियर? अब देखिए आपने जो h माना था इसमें s था, s की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से जब ये वैल्यू हम 1 में पुट करेंगे तो आपको h मिल जाएगा। तो देख लेते हैं कितना आता है h। ये आपके पास बनने वाला है h इक्वल टू, आपके पास आया था s माइनस 2π r² अपॉन 2π r। s आपके पास यहाँ बना था 6π r², तो सॉल्व करने पे आपके पास ये आएगा 4π r² अपॉन 2π r। तो ये आपका बना है 2r। क्लियर? जैसा कि हमें कहा गया था कि आपको ये बताना है कि हाइट जो है वो इक्वल है डायमीटर ऑफ द बेस। बेस देखिए रेडियस आपके पास यहाँ सर्कल बना था, तो जो डायमीटर है हमने रेडियस मानी थी r, तो जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, 2r। तो देखिए हाइट इसके इक्वल आ रही है। अब हमें ये बताना है कि ये मैक्सिमम है, तो आपको क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा फिर से, d²v/dr²। तो आप जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 1/2 - 12π r। रेडियस आपकी नेगेटिव होती नहीं है, यहाँ से आपको मिला 6π r माइनस में, मीन्स ये आपकी नेगेटिव वैल्यू आई, और नेगेटिव जब आती है तो आपके पास जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, मैक्सिमम। तो जो आप वॉल्यूम लेके चल रहे हैं वो कैसी होगी, मैक्सिमम। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन h इक्वल टू 2r। क्लियर? और आप ये भी लिख सकते हैं व्हेन हाइट ऑफ सिलेंडर किसकी इक्वल है आपकी, डायमीटर ऑफ द बेस। क्लियर? नेक्स्ट है, ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैंस ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम आपको 100 सेंटीमीटर क्यूबिक गिवन है, क्यूबिक सेंटीमीटर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया। देखिए सरफेस एरिया मिनिमम बताना है, वॉल्यूम आपका गिवन है 100। तो जैसे हमने पीछे फॉर्मूले लगाए हैं सिलेंड्रिकल के, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी लिखने वाले हैं
सेम फिगर रहेगी आपकी, लेट रेडियस इज आर सेंटीमीटर एंड हाइट इज एच। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, वॉल्यूम आपका गिवन है, गिवन वॉल्यूम, सिलेंड्रिकल का चाहिए हमें तो वो होता है पाई आर स्क्वेयर एच। कितना गिवन है आपको, 100 सेंटीमीटर क्यूबिक गिवन है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको, एच आपके पास आ गया है 100 अपॉन पाई आर स्क्वेयर। अब आपको सरफेस एरिया बताना है, यहाँ पे कैन का मिनिमम होगा तो सरफेस एरिया देख लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ द कैन, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर स्क्वेयर प्लस में 2 पाई आर एच। देखिए 2 पाई आर स्क्वेयर जो एच आपने निकाला था वो आप यहाँ रख देंगे, जो कि आता है 100 अपॉन पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ से आपको मिला 2 पाई आर स्क्वेयर प्लस में 200 अपॉन आर। तो सरफेस एरिया का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं आर के रिस्पेक्ट में, जो कि बनेगा 4 पाई आर माइनस में 200 अपॉन आर स्क्वेयर। ये बनता है डेरिवेटिव। देखिए हम मान के चल रहे हैं कि आपको डेरिवेटिव बहुत अच्छे से निकालने आ गए हैं, तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से आपके पास क्या बना, माइनस 200 प्लस 4 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वेयर। मैक्सिमम मिनिमा देखने के लिए डेरिवेटिव को हम जीरो के इक्वल रखते हैं, तो देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है। माइनस 200 प्लस 4 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपके पास आती है 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू 200। पाई आर क्यूब कितना बना आपके पास, 50। सो आर आपको यहाँ से कितना मिलेगा, 50 अपॉन पाई इट्स पावर 1/3, क्योंकि देखिए आर क्यूब था, दोनों तरफ हमने 1/3 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है आर की। अब आर आपके पास आ चुका है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पर डबल डेरिवेटिव निकाल के कि इस पॉइंट पर आपके पास सरफेस एरिया मिनिमम आता है या मैक्सिमम आता है। तो डबल डेरिवेटिव कीजिए, डी स्क्वेयर एस बाय डी आर स्क्वेयर जो कि है 400 अपॉन आर क्यूब प्लस में 4 पाई। अगर आपको याद नहीं है तो बता देते हैं, डी एस अपॉन डी आर जो आपके पास आया था वो था आपके पास माइनस 200 अपॉन आर स्क्वेयर प्लस में 4 पाई आर। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनने वाला है। आर आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आर की वैल्यू थी आपके पास 50 अपॉन पाई इट्स पावर 1/3। तो रखिए यहाँ पे 400 अपॉन 50 अपॉन पाई पावर 1/3 एंड इट्स क्यूब प्लस 4 पाई। तो यहाँ से हमें मिला 400 अपॉन 50 अपॉन पाई जो कि हम ऊपर लिख देते हैं प्लस 4 पाई। तो यहाँ से ये आपके पास आता है 8 पाई प्लस 4 पाई मीन्स आपके पास आता है 12 पाई। पाई आप जानते हैं पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है वो आई है पॉजिटिव। तो आप लिख सकते हैं एस जो है यहाँ से, एस इज़ मिनिमम। कब है मिनिमम, व्हेन आर इक्वल टू 50/पाई पावर 1/3। क्लियर है? आपको यहाँ पे बोला गया था फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया, तो हम देख लेते हैं। हैंस द टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम when radius is 50 by pi power 1/3
सेंटीमीटर एंड हाइट इज, आपने हाइट निकाली थी 100 अपॉन पाई आर स्क्वेयर, तो आप यहाँ पे वैल्यू रखिए आर की, तो ये आपको मिलना है 100 अपॉन पाई, पाई अपॉन 50 इट्स पावर 2/3 सेंटीमीटर। आई थिंक कोई मुश्किल नहीं थी, सिलेंडर के फॉर्मूले हम जानते हैं, डेरिवेटिव करना भी जानते हैं, उसके बाद तो क्वेश्चन आप जानते ही हैं, पीछे इतने क्वेश्चन हमने किए हैं, 20 क्वेश्चन कर लिए हैं कि सिंपल आपको वन टाइम डेरिवेटिव निकालना है, इक्वल टू जीरो रखना है, डबल डेरिवेटिव में उस पॉइंट पर चेक करना है, तो आपको मैक्सिमम मिनिमम पता चल जाएगा, यही आपका क्वेश्चन था। चलिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, एक वायर जो है जिसकी लेंथ है 28 मीटर, इसको दो पार्ट्स में काटा गया है। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर, दो पार्ट में काटने के बाद एक से स्क्वायर बना दिया गया और दूसरे से सर्कल। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस, एक तो लेंथ क्या होगी दोनों पीसेस की जो कट किए हैं, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम, और जो एरिया है स्क्वायर का और सर्कल का वो मिनिमम हो आपके पास। तो देखते हैं क्या आता है। देखिए, मान लीजिए टोटल जो लेंथ है इस वायर की आपके पास वो है 28, क्लियर है। यहाँ पर हमने एक पीस कट किया x और दूसरा है 28 माइनस x हो गया, जब भी टोटल 28 आएगा आपका, से बनाया हमने सर्कल। आप चाहें तो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये भी लिख सकते हैं कि जो 28 माइनस x है इससे तो आपने बना लिया स्क्वेयर, तो इससे बनाया आपने सर्कल, क्लियर। अब देखिए, हमें पता है स्क्वेयर की इक्वल होती हैं, तो एक साइड कितना होगा, इसका एक हिस्सा कितना होगा, 28 माइनस में x बाय 4, एक साइड इसकी इतनी होगी, क्लियर है। तो लिखते हैं, चलिए देखते हैं कैसे होगा। लेट वन पार्ट बी द लेंथ x, वन पार्ट की जो लेंथ है वो आपने x सेंटीमीटर मानी, x मीटर मानी हुई है, एंड अदर पार्ट विल बी, तब दूसरा पार्ट कितना, 28 माइनस x। लेट द पार्ट ऑफ लेंथ x इनटू ए सर्कल, से हमने क्या बनाया, सर्कल बना लिया, और सर्कल की रेडियस जो है वो आप जानते हैं, आप आर लेके चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ से जब आपने सर्कमफ्रांसिस है जो कि कितनी आती है 2πr, ये इसकी लेंथ सर्कल का भी, तो ये है एरिया ऑफ सर्कल, देख लेते हैं यहाँ से पाई आर स्क्वेयर, तो यहाँ आप जब रखेंगे पाई आर स्क्वेयर रखेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 4π स्क्वेयर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 4π। अब हम सेकेंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, सेकेंड जो लेंथ है, सेकेंड लेंथ ये आपकी बनी है 28 माइनस एक्स, इससे आपने क्या बनाया है, कन्वर्टेड इनटू ए स्क्वेयर, इससे हमने स्क्वेयर बनाया, क्लियर। तो साइड ऑफ स्क्वेयर कितनी आती है, फोर साइड्स होती हैं, तो एक साइड कितने की बनेगी, 28 माइनस एक्स बाई 4, क्लियर है ना। अब हम इसका एरिया ऑफ स्क्वेयर देख लेते हैं, हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वेयर क्या होता है, साइड स्क्वेयर, तो एक साइड जब हमने निकाल लिए तो साइड का हम स्क्वेयर कर देते हैं, तो ये बनने वाला है एरिया ऑफ स्क्वेयर जो कि आएगा साइड स्क्वेयर, और साइड कितनी आई है आपके पास, 28 माइनस एक्स अपॉन 4, क्लियर है। तो चलिए, अब आपको टोटल एरिया की बात की गई थी, तो टोटल एरिया हमारे पास, हमने दोनों का एरिया निकाल लिया है, तो टोटल एरिया जो है उसको हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं जो कि आया एक्स स्क्वेयर बाय 4 पाई, और सेकंड आया 28 माइनस एक्स
अपॉन 4 इट्स स्क्वेयर। डेरिवेटिव निकालिए इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा 2x अपॉन 4π। पावर का आपने किया तो 2 आगे, 28 माइनस एक्स अपॉन पाई, सॉरी 4, और माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस 1 आने वाला है, और नीचे आपका था इसमें 4। तो ये बना आपके पास एक्स अपॉन 2π माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 8। क्लियर? यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, आपके पास क्या आता है 8π, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 4x माइनस 28π प्लस पाई एक्स। फिर आप क्या करते हैं डेरिवेटिव को 0 के इक्वल, तो ये आया 4x माइनस 28π प्लस पाई एक्स अपॉन 8π इक्वल टू 0। देखिए एक्स वाली टर्म एक साथ ले लेते हैं, 4 प्लस पाई इक्वल टू 28π, तो यहाँ से एक्स कितना आ गया आपका 28π अपॉन 4 प्लस पाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए जो दूसरा पार्ट है वो क्या था हमारा, अदर पार्ट जो था वो था हमारा जो लेंथ थी वो थी दूसरी 28 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू रखिए यहाँ पे, वो मिलेगा आपको 28π अपॉन 4 प्लस पाई। तो ये बन गया हमारा यहाँ से 112 अपॉन 4 प्लस पाई। तो ये दो पार्ट आते हैं मेरे पास, ये आया है 112 अपॉन 4 प्लस पाई, और जो एक्स आया है वो आता है 28π अपॉन 4 प्लस पाई। क्लियर? अभी हमसे बोला गया है कि जो एरिया आया था वो मिनिमम हो, तो एरिया को मिनिमम और शो करना हमें, तो हम क्या करेंगे डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो देख लेते हैं डबल डेरिवेटिव। देखिए dA बाय dx क्या आया था आपके पास, यह आया था हमारे पास x अपॉन 2π माइनस 28 माइनस x अपॉन 8। तो डबल डेरिवेटिव कीजिए इसका, ये बनेगा 1 अपॉन 2π प्लस में 1/8। आप जानते हैं पाई भी पॉजिटिव होता है, दूसरी वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो दोनों का सम भी पॉजिटिव रहने वाला है, और जब पॉजिटिव है मीन्स जो आपका एरिया है वो कैसा होगा मिनिमम। सो द टू पार्ट्स इज, देखिए मिनिमम ही दिखाना था, आपने मिनिमम दिखा दिया है। टू पार्ट्स आर, एक्स है आपके पास 28π अपॉन 4 प्लस पाई, और दूसरा जो पार्ट आया है वो आया है 112 अपॉन 4 प्लस पाई। क्लियर है? ये आपके पास लेंथ आ जाती है, आपसे लेंथ पूछा गया था और बोला गया था कि जो स्क्वायर और सर्कल का एरिया है वो मिनिमम होगा, ये भी आपने शो कर दिया। तो यही था हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन क्वेश्चंस में, अगर फिर भी आपका कहीं डाउट रह गया तो आप वीडियो को वापस से देखिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए 22 क्वेश्चंस तक, बाकी के